हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे इस फ्लेम वाइन की बात करूंगी। इसे बिग्नोनिया वेस्टा भी कहते हैं। और देखिए कितनी कलियां आ रही हैं, ये इसका मौसम है। और ये एक्चुअली हमारे पड़ोसियों की लगी हुई है और उनके ही हमारे यहाँ इस तरफ आ गई हुई है, देखिए। और ऐसे दीवार पे भी चढ़ रही है हमारे, देखिए ऐसे। और आज मैं आपसे इसकी पहले केयर वीडियो में इसकी बना चुकी हूँ, देखिए कैसे अच्छी। और ये सर्दी ही इसका मौसम होता है, इसी मौसम में ये देखिए इस तरह से गेट के ऊपर ये लगी हुई है। और ये ही इसका मौसम होता है और ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो इस टाइम फिर क्या है, गर्मियों में ये बिल्कुल सूख जाती है और इस टाइम एकदम हरी हो जाती है ये बेल। तो आज मैं इसकी ना प्रोपेगेशन की बात करूंगी आपसे। इसका प्रोपेगेशन जो है वो सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे ये बेल यहाँ आ रही है ना, अगर यहाँ ज़मीन होती तो इसको हम क्या करते, ये ज़मीन में ऐसे गाड़ देते। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये ऐसे एक गमला लिया है मैंने, ये देखिए इसमें, ये देखिए ये इसमें करने लगी हूँ। थोड़ा पानी मैंने ज़्यादा ही डाला है ताकि ये अच्छी तरह से दब जाए। स्टिकी मिट्टी में पानी ज़्यादा होगा ना तो पकड़ करेगी, तो पानी डाला है इसमें। और अब क्या करेंगे हम, इसकी एक ये देखिए ब्रांच ली मैंने, और ये वाली ब्रांच लें या ये वाली ब्रांच लें, कौन सी लें, चलिए ये वाली लेते हैं, ये मैंने कर भी रखा है। और इसमें देखिए ये जो नोड होता है ना, जहाँ ये जो नोडल पोर्शन होता है ना, जहाँ से ये देखिए ये पत्तियाँ जो है वो, ये देखिए ये जहाँ से ये पत्तियाँ निकलती हैं ना, इसको नोड कहते हैं। यही इसी जगह से, इसके दोनों आसपास से ना, यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर से, यहाँ से ही जड़े निकलने वाला हार्मोन निकलता है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे हल्का सा स्क्रैच करेंगे, देखिए, ताकि ऊपर की लेयर जो है वो हटा दें। और फिर हम इसको क्या करेंगे, इस गमले में, क्योंकि ये हम गमला ले रहे हैं तो अब हम इसको गमले में दबाएंगे। ये देखिए इसको मैंने ऐसे ऐसे दबा दिया है ना, और फिर इसके ऊपर ऐसे एक कोई वेट रख दूंगी मैं, ये देखिए। और इसको मैंने यहीं रख दिया क्योंकि ये उधर से आ रही है, तो ये इसको मैं अलग नहीं करूँगी। और इसकी ये ऊपर वाली, अभी मेरे पास सीजर्स नहीं है, दिक्कत आ रही है मेरे, लाती हूँ। इससे ऊपर से मैं ये फ्लावर्स वगैरह थोड़े से हटा देती हूँ, अब पत्तियाँ रहने देती हूँ। फ्लावर्स हटा दिए मैंने ताकि इसको जो है वो फूड मिलता रहे, और मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते रहे। और ये डंडी अभी क्या है, पौधे से जुड़ी हुई है, तो इसको जो मेन फूड है वो प्लांट से मिल रहा है। और यहाँ उस पोर्शन में से अभी 10-15 दिन तक ये देखिए निकलने लग जाएंगी जड़ें, और फिर हम इसको यहाँ से काट देंगे और ये हमारा एक अलग पौधा तैयार हो जाएगा। तो ऐसे इसमें जो है वो प्रोपेगेशन इस तरह से बहुत आसान होता है। अगर ज़मीन पे ये लगी हुई है तो ज़मीन में ही एक नीचे की एक डंडी लेके आप ज़मीन में ही दबा दें, जिस तरह से मैंने अभी गमले में दबाई है, तो ब्रांचेस मतलब जड़ें निकल आएंगी और नया पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिग्नोनिया की फ्लेम वाइन की जो प्रोपेगेशन है वो, उसका ये बहुत अच्छा तरीका होता है और इस तरह से ये बहुत जल्दी नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो अगर आपके आसपास कहीं है बिग्नोनिया तो आप इसी तरह से उसकी, मतलब ये बिग्नोनिया फ्लेम वाइन, तो आप इस तरह से नए पौधे बना सकते हैं उससे। और ये मौसम है, इस मौसम में आप करें, बहुत जल्दी बनेंगे। और बरसात में भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा, अभी भी अच्छा टाइम है, बरसात में भी अच्छा टाइम होता है, तो हम इसकी इस तरह से प्रोपेगेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।